नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मीरा भाईंदर हटके सिग्नल के संगवी टावर से लगे हुए जो दुकानें हैं, जहां पर गैरेज है, बरसों से दुकानें चल रही थी, वहां पर पिछले सप्ताह में नगर सेविका वीना भोयर की नगर सेवक निधि से उन दुकानों के सामने ग्रिल लगा दिए गए थे, जिसके चलते दुकानदारों के रोजी रोटी का मसला खड़ा हो गया था। आपस में दुकानदार और सोसाइटी के रहने वाले लोगों में विवाद बढ़ता हुआ जा रहा था, जिसका आज पूरी तरह से चैप्टर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए पहले हम आपको ले चलते हैं सोसाइटी के उन लोगों के पास में, कि सोसाइटी को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था इन दुकानदारों के चलते। उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि ग्रिल लगने के बाद से दुकानदारों पर किस तरह की मुसीबत आन पड़ी थी उनके रोजी रोटी के मसले को लेकर। इसी के साथ साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार लीडर संदीप राणे को जब इस पूरे विवाद की भनक लगी, तब वो घटना स्थल पर आए। यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ों को समझा, उन्होंने भी हमें प्रतिक्रिया दी है, हम वो भी आपको सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। यहाँ पे चलने का ये फुटपाथ बनाया है गवर्नमेंट ने, यहाँ पे इसके नीचे चैम्बर है जिसके गटर वटर सब है यहाँ पे, और यहाँ पे रेलिंग लगी हुई थी। ये दुकान वाले जो यहाँ से A1 मोटर संगम वाले से लेके लास्ट तक इनके दुकान वालों ने ये रेलिंग काट दी। वो रेलिंग काटने के बजाय 2017 में मेरा पहला लेटर गया, 2017 में मेरा पहला लेटर गया नगर पालिका और पुलिस स्टेशन को कि हम लोगों को यहाँ पे चलने की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में यहाँ पे धीरे धीरे करके कार्रवाई होने लगी, लेकिन दुकान वालों की इतनी दादागिरी हो गई थी कि ये लोग जब गाड़ी टो करने वाले आते हैं, ये लोग फुटपाथ के ऊपर गाड़ी रिपेयर करते हैं, और जब रिपेयर करते हैं तो हम लोग बोलते हैं और गाड़ी टो करने वाले आते हैं तो गाड़ी टो करके इनकी नहीं ले जाते हैं। इनका कहना है कि हमारा अच्छा खासा हफ्ता काशीमेरा पुलिस स्टेशन में और वातुक विभाग में जाता है, तो हम लोगों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इनकी दुकानें की गाड़ियाँ हटती नहीं है, खाली लॉक लगता है, लॉक लगने के बाद में वापस गाड़ियाँ 15 मिनट आधे घंटे में वापस आके वहीं खड़ी होती है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सोसाइटी की कंप्लेंट के लेटर मेरे पास आया और सोसाइटी का लेटर मैंने आगे नगर पालिका में फॉलो किया। फॉलो करने के बाद में आज 2021 में यहाँ पे तब जाके नारियल फूटा कि यहाँ पर रेलिंग लगेगी, ये फुटपाथ के ऊपर रेलिंग लगेगी। अभी ये दुकान वालों को इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि इनका धंधा पानी हमने बंद कर दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि जब यहाँ पे एक तरफ रेलिंग लगी थी तो उन्होंने काटी क्यों, और काटने के बाद में हम लोगों की जगह पूरी कवर कर लिया, जहाँ से लेडीज़ और ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ है ना तकलीफ चलने की है, यहाँ हम चल नहीं पाते हैं, क्योंकि सब गाड़ी, इतनी कार यहाँ खड़ी रहती है, बाइक खड़ी रहती है, तो जो मेन गटर की रोड है वहाँ से भी हम चल नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये ग्रिल डाली भी है कि जिसकी वजह से हम परेशान हैं, हम चल सके, क्योंकि पूरा वहाँ जगह कितनी बड़ी है, वहाँ से वो लोग काम कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं और हमको परेशान करते। ये साइड पर रोड है, रोड पर सब गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी में से हमको चलना पड़ता है, और चलते चलते कितनी बार हमको लगा भी है, ऐसा भी कि नहीं लगा है, तो हमको ये संभल संभल के कितना जाएंगे, वो मेन है वस्तु। और इसलिए हम लोग किधर खड़े हैं और बोला है कि भाई प्लीज़ हमको रास्ता दो, और रास्ते के लिए हम लोग खड़े हैं। और अब बहुत हो गया है, दुकान में जाके कितनी बार हम लोग ने बोला है कि भाई हमको रास्ता दो, यहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है, तो सुनते ही नहीं है, बस ऐसा थोड़ा चलता है भैया, मेन वही है। इसलिए आप बोलते हैं जैसे बोलते हमको रास्ता दो और चल लेंगे, और ग्रिल जो लगी है वो निकलेगी नहीं। और अभी भी क्या हुआ है वो भी आपको बोलता हूँ, ग्रिल जब लगाई म्यूनसिपालिटी ने तो वो लोग बोलते हैं हमको एक गेट दो, बराबर है, एक गेट देने को बोला तो वो बोली भले हम करेंगे। फिर उसके यूनिटी वाले जितने भी हैं उतने क्या बोला कि उनको देंगे तो हमको सबको दो, और वो ही यूनिटी वाले सब जो है कार वाले वो बोले हमको कि जो आलोक इनको एक एक देंगे तो हम सबको देना, नहीं तो पूरी ग्रिल लगा दो। तो हमने पूरी ग्रिल लगाई है, थोड़ा थोड़ा चलने का रास्ता बन के ग्रिल लगाई है, तो वो गलत तो है ही नहीं है, पहली बात तो ये है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जैसे एक 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 निकलेगी, इससे ज़्यादा निकलेगी नहीं, क्योंकि चलने का रास्ता ही बंद है और सब दादागिरी भी करते हैं, वो दादागिरी तक चलेगी नहीं, पहली बात तो ये है। और इधर है ना पैसा देने का धंधा चलता है, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम भी देख रहे हैं RTO वालों को भी पैसा मिल रहा है, वो भी मैं बोलती हूँ बुलाने को आएंगे, देखेंगे और वहाँ ये पैसा देगा और हो गया काम, ये गलत बात है, वो गलत बात है। मैं इधर मनसे में हूँ, और मनसे के हिसाब से मेरी भी दुकान एक साले की दुकान है, CNG दुकान। वो CNG दुकान है आज इतने सालों से चल रहा था अच्छा खासा, अभी 3 साल कोरोना का टाइम था, 3 साल कोरोना के अंदर जो है पूरा दुकान ठप थी, कोई धंधा पानी चल नहीं रहा था। आज जो है जब रोड पे थोड़ा सा गाड़ी आने लगी तो अब इन लोग ने बीच के अंदर या अगले सोमवार को इन्होंने ग्रिल लगा दी पूरे दुकान वाले के पास में। मैं इधर यहाँ की नगर सेविका वीना भोयर जो थी, मैं उनसे निवेदन किया कि मैडम जी हमारे को जो है दो रास्ता आप छोड़ो बीच के अंदर,
मैडम जी ने बोलनी भी थी हमसे, वचन भी थी कि हमें रास्ता छोड़ूंगा, उसके बावजूद में भी उन्होंने अभी इनकी प्रेशर खाली बिल्डिंग के, हमारे को और कोई नहीं दिख रहा है, ये तीन चार आदमी को ही इतना दिख रहा है। अगर ए विंग के अंदर और ये बी विंग के अंदर सोसाइटी के अंदर दुकान है तो ये दुकान को जैसे पहले NOC दिया तो आज के डेट में इन्होंने अगर नो ऑब्जेक्शन लिया है तो नो ऑब्जेक्शन लेटर दिखावे मुझे कि हमारे को आपके सोसाइटी से नो ऑब्जेक्शन लेटर मिला है दुकान बंद करने का, तो ये नो ऑब्जेक्शन दिखावे, और नो ऑब्जेक्शन दिखाने के बाद में फिर उनके बाद वो लीगल कार्रवाई करे। अभी भी मेरा वीना बोर्ड से बातचीत हुआ है, उन्होंने बोला है झाजी हम कुछ नहीं, हम शांति से रास्ता निकालेंगे, हम शांति से रास्ता निकालेंगे, आप लोग आराम से रहिए, मैं कल नहीं परसों जो है पूरे दुकान वाले लोग का मीटिंग लूँगा। मुझे सिर्फ, मैं बोल रहा हूँ, 9-9 फीट का दो रास्ता दे दीजिए, समझिए सिर्फ दो रास्ता, हम तीसरा रास्ता नहीं मांग रहे, दो रास्ता हमको 9-9 फीट का चाहिए, दो रास्ता मिल गया हमारी गाड़ी अंदर गई। ये वादा कर रहा हूँ, ये मैं भी वादा कर रहा हूँ, मैं भी इसी संघ सोसाइटी में रहता हूँ, मैं भी वादा कर रहा हूँ कि भाई इनकी गाड़ी अगर रोड पर आ रही है तो गलत होगा, इनका भुगतान इनको भोगना पड़ेगा लास्ट में, फिर ये मेरा वादा है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि किसी का पेट बंद करे, आज इधर दिख रहे कम से कम 100 वर्कर है, 100 वर्कर का काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, रोटी चल रहा है, पानी चल रहा है, ये बंद करने का मतलब क्या है? ये बंद मत करो। अब इसके हिसाब से मैं, हम लोग नवनिर्माण सेना वाले जो है सपोर्ट करेंगे इनको, जब पार्टी पॉलिटिक्स की बात आएगी तो हम खुला सपोर्ट करेंगे, ये खुला बात है मेरा, जय हिंद जय महाराष्ट्र। देखिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नागरिकों के हित के लिए और जो यहाँ पे रोजी रोटी इसका चल रहा है, नागरिकों को चलने के लिए जगह तो चाहिए, उसके अंदर कोई दो बात है ही नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये जो रेलिंग लगाया है, ये रेलिंग लगाने का भी अच्छा मकसद है, उसका कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसका यूटिलाइज गलत तरीके से हो रहा है। आज नगर सेवक या तो कोई स्थानिक सोसाइटी वाले इसका डिसीजन नहीं ले सकते, प्लानिंग करना है वो नगर पालिका को करना है, नगर पालिका ने अगर समझो डिस्प्यूटेड मैटर है तो उसको सामने सबको बुला के उसके सबके सामने उसका हल निकालना चाहिए। लेकिन स्थानिक नगर सेवक ने यहाँ पे उसका निधि ख़त्म करने के लिए या तो कुछ भी बोला, अब उसका यूटिलाइज़ किया है। मेरा यही बोलने का मतलब, जैसा हमारे झा साहब ने बोला कि गए कोरोना के काल में 2 से 2.5 साल से लोगों का रोजी रोटी बंद है और किधर से अभी शुरुआत हुई है, तो आज रोजी रोटी शुरुआत हुई है तो उसका कुछ अलग तरीके से उसका राजकारण करके उसका रोजी रोटी छीनना नहीं चाहिए, इसे हमारी मांग है। मैं नगर सेविका मैडम को यही बोला था कि क्योंकि स्पैन बड़ा होने से 22 दुकान है यहाँ पे, 22 दुकान के बीच में 2 जगह छोड़िए ताकि वो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और रही बात उनके न्यूसेंस की, अगर कोई भी कारीगर इधर बदतमीजी से काम करता है या बदतमीजी किसी को या स्त्री या पुरुष से बात करता है वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए, और फुटपाथ पर गाड़ी नहीं लगना चाहिए। मैंने उनको अभी नगर सेविका मैडम को यही बोला हूँ कि आप 2 जगह छोड़िए, 9-9 फुट का 2 जगह छोड़िए, उसके बाद में अगर किसी न्यूसेंस होता है तो उसके अंदर हम लोग इन्वॉल्वमेंट होंगे, क्योंकि क्या जब तक राजकीय और ये हमारे समाज सेवक इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे, उसको समझती परिस्थिति समझ के नहीं लेंगे, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। 2 जगह छोड़ेंगे तो मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इनका रोजी रोटी भी चालू रहेगा और सोसाइटी वाले को भी चलने के लिए जगह मिलेगा। और मैं सोसाइटी वाले को ये विनती करता हूँ, आपस में झगड़ा मत करो, क्योंकि क्या कोरोना का काल है, कोरोना का काल में 2-2.5 साल से लोगों का रोजी रोटी खत्म हो गया है और हर एक आदमी को तकलीफ है, तो मुझे लगता है कि इसका हल निकलेगा। संघवी टावर के सभी रहवासियों को मैं यही विनती करता हूँ, एक दूसरे को समझ के लो, और खास करके जो कारीगर जो रोड पे काम करते हैं इनको भी विनती करता हूँ कि किसी के साथ बदतमीज के साथ सी बात नहीं होनी चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में मिलजुल के रहे, ये हमारी मांग है। नगर पालिका का प्लानिंग होना चाहिए। आप देखो नगर पालिका में कोई भी जगह पर रेलिंग नहीं लगाया हुआ है, कोई भी जगह पर और रेलिंग लगाना है तो उसको ना मिलजुल के जो भी है उसका आपस में मीटिंग कर उसका एक हल निकालना चाहिए। ये ग्रिल लगा के उन्होंने आपस में झगड़ा लगाने का काम किया है, और मुझे लगता है अगर 9-9 फुट का जगह छोड़ेंगे तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होने जैसा नहीं है, और फुटपाथ पे जो भी गाड़ी खड़ा करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और ये खास करके नगर पालिका के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, यहाँ पे वो लोग प्रेजेंट होना चाहिए इधर, लेकिन वो नहीं है, मुँह छुपा रहे, अभी आपने भी फ़ोन लगाया वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मुझे लगता है नगर पालिका के अधिकारियों भी यहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। रोजी रोटी का जिधर सवाल है, जिधर कामगार का प्रश्न है, जिधर स्त्री ऊपर अन्याय होता है, उधर का जो भी प्रश्न रहेगा महाराष्ट्र निर्माण सेना उसके साथ में खड़ी रहेगी, और जिधर नागरिक अगर गलत होंगे तो नागरिक को भी समझाने का काम भी महाराष्ट्र निर्माण सेना करेगा, और जिधर ये वर्कर लोग का अगर कुछ गलत होता है तो उनको समझाने का काम भी महाराष्ट्र निर्माण सेना करेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ करीब 11:30 से लेकर 1 बजे तक का आपस में ये विवाद गहराता गया, आखिर में इस नतीजे पर ये बात ख़त्म हुई। यहाँ पर समझदारी दिखाते हुए स्थानीय नगर सेविका वीना भोयर ने
इन दुकानदार और सोसाइटी के लोगों से मीटिंग की और बीच का एक रास्ता निकालते हुए सोसाइटी को भी तकलीफ ना हो और दुकानदारों वालों को भी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े उनके कारोबार करने के दौरान, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालते हुए दुकानदारों को रास्ता देने की बात कही है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का निर्णय लिया गया है ये पूरा विवाद खत्म करने के लिए। ये संघवी टावर के जो लोग हैं वो 10 साल से परेशान है, प्रशासन को भी उन्होंने बहुत बार लेटर दिया है। ये परेशानी है कि उनका जो फुटपाथ है वहाँ से वो चल नहीं पाते, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि उनके सोसाइटी में गैरेज वाले बहुत सारे हैं और उनकी गाड़ियाँ वहाँ लगती है। इसकी वजह से संघवी टावर वाले लोग बहुत परेशान थे, तो ये और मेरे पास भी इनका बहुत निवेदन आता था, तो हमने ये सोचा कि वहाँ एक ग्रिल लगाए नगर सेवक निधि से, जो मैंने उनका काम किया है। देखो, हम एक नगर सेवक है, लोकप्रीति निधि मीरा भाईंदर शहर के, और हमें इतना किसी का मतलब रोजी रोटी छीनना हमें अच्छा हमारे मतलब इसमें भी नहीं है, हक नहीं हमें। और ये जो गाले वाले वो भी मेरे हैं, सोसाइटी वाले के लोग सभी लोग मेरे हैं, मेरे वार्ड के हैं, मुझे दोनों तरफ से ही देखना है। ये जो इल्ज़ाम लगा है कि मैंने इनकी रोजी रोटी छीनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जब ग्रिल लगाने के लिए लिया था तो ये सब गाले वाले मेरे पास आए और बोले कि मैडम यहाँ छोड़ो, मेरे दुकान के सामने छोड़ो। तो हर एक दुकान के सामने मैं ग्रिल नहीं छोड़ सकती थी ना, तो मैंने उनको, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि आप एक मीटिंग ले लो सब गाले वाले मिलकर और मैं एक रास्ता दूंगी, एक बीच में से आपके लिए मैं ग्रिल निकालूंगी, लेकिन सबके सामने मैं एक एक ग्रिल नहीं निकाल सकती हूँ। मैंने उनको सॉल्यूशन दिया था। तो अभी क्या हुआ है, फाइनल क्या तय हुआ है? अभी ये सब मसला तो हुआ है, ये फिर से हमारे मेयर मैडम के पास गए थे, प्रशासन के पास गए थे हमारे गाले वाले। फिर मैंने उनको बोला कि आप ये टाइम पे आ जाइए, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल स्पॉट पे बात करते हैं। तो हमारे माननीय सम्मानीय उपमहापौर साहब के मार्गदर्शन से मैंने एक डिसीजन ले लिया है, वहाँ गाले वाले और ये हमारे सोसाइटी के स्थानिक लोग दोनों भी खुश रहेंगे। इसके बीच का रास्ता हम लोग ने निकाला है, अभी हमारी मीटिंग हुई गाले वालों के साथ, तो उनको एक 9 फीट का रास्ता चाहिए, वो हम लोग खोल के अभी देने वाले हैं, और वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सब लिख के भी दे रहे हैं, और उसकी जगह एक रॉड और एक चैन भी लगाएंगे वो, मतलब सोसाइटी वाले गालों वालों से सपोर्ट ले रहे हैं, और मतलब एक दूसरे से अभी हमारा हो गया है, समझौता हो गया है, आपस में समझौता हो गया है। ये थी नगर सेविका वीना भोयर, जिनके मध्यस्थता से और जिनकी अकलमंदी और समझदारी के चलते इस पूरे विवाद को आज विराम लग चुका है। रास्ता ये निकाला गया है कि जो ग्रिल लगी है उन ग्रिल में से कुछ ग्रिलों को हटाया जाएगा या खोला जाएगा, जिसके चलते दुकानदारों के सामने गाड़ियां आ और जा सके। वीना भोयर के इस फैसले के चलते दुकानदारों में भी खुशी की लहर दिखाई दी, आइए हम उनको भी सुनते हैं। जी, हमारी अभी मैडम से बात हुई, हम मैडम से एक रिक्वेस्ट किए और मैडम से रिक्वेस्ट करने के बाद यही बोले उनसे हाथ जोड़ के कि यहाँ 20 दुकान है, 20 दुकान का कुछ आप रास्ता खोलिए। तो रास्ता खोलने के बाद में उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक पर्सनल हमारे को दुकानदार का मीटिंग लेते हैं, हम बीच में कोई रास्ता निकालते हैं। उनसे रिक्वेस्ट बार बार हमारे को करने से कि मैडम एक 9 फीट सामने इधर बीच में खोलिए, एक आगे खोल दीजिए, दो जगह उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया, और फुल आश्वासन नहीं, उन्होंने पूरी उम्मीद दी कि हम कटवा रहे हैं, हम खुलवा के दे रहे हैं आपको। और इसके लिए मैं मैडम को धन्यवाद कर रहा हूँ कि, और पूरे दिल से मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने गाले वाले का भी सोचा, और ये सोचने के बाद में कि ये हमको 2-4 इधर के राजनीतिक नहीं करना है, हमारा घर का ये मैटर था, और घर का मैटर हमारा जो है मैडम ने सॉल्व किया। हमारे नगर सेवक वीना भोयर, उनको मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि वो फिर से हमारी नगर सेवक चुन के आएंगी, और 101% है कि हम लोग को खुश रखने के साथ में उनको भी हम लोग खुश रखेंगे। तो कुछ इस तरह से ये पूरा मामला आज ख़त्म हो गया है नगर सेविका वीना भोयर की मध्यस्थता के चलते। मेरे पीछे जो संघवी टावर आप देख रहे हैं, उस टावर के ठीक सामने ये एक गटर है, इस गटर का ढक्कन की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। महानगर पालिका का ये लगाया हुआ ढक्कन है,
इस पर भी मनपा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और मेरे बगल में आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर भी इसी सोसाइटी के उस बाथरूम की है जहाँ पर मच्छरों को पनपता हुआ आप देख सकते हैं, बड़ी गंदगी दिखाई दे रही है इस सोसाइटी का जो बाथरूम है, जो वॉचमैन लोग इस्तेमाल करते हैं उनका। और उसी के साथ साथ में ये एक रास्ते को लगा हुआ गटर है जहाँ पर गटर महानगर पालिका ने नहीं बल्कि इन दुकानदारों ने लगाए है, जिसे लोहे की पाइप से ढका गया है। मनपा प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता सबूत आप सबके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। संगवी टावर और दुकानदारों के विवाद को ख़त्म करने में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है तो वो है मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर हसमुख गहलोत। उन्होंने खुद इस जगह पर आकर तमाम चीज़ों को समझा, परेशानियों को सुना, लोगों की जो तकलीफें थे उन्हें जानने की कोशिश की, और वो ये कहकर चले गए थे कि आधे घंटे में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और हुआ भी यही है कि डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत की मध्यस्थता, उनकी दखलअंदाजी और उनकी सूझबूझ अकलमंदी के चलते ये विवाद आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जिसका श्रेय पूरी तरह से डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत को जाता है। वो भले ही कैमरे के पीछे रहकर या पर्दे के पीछे काम करें, लेकिन अपनी अहम भूमिका के लिए वो जाने जाते हैं और कभी भी वो पब्लिसिटी के लिए नहीं दौड़ते हैं। ये खासियत है डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत की, जिन्होंने आज इस पूरे विवाद को ख़त्म किया है, उसकी पहल की है, पूरी तरह से कोशिश की है। अब देखना है कि क्या आने वाले दिनों में ये सोसाइटी के लोग और दुकानदार अपनी बातों पर कायम रहेंगे, क्या फिर वो आपस में उलझेंगे नहीं, इस बात की गारंटी यहाँ पर कौन लेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।